भाई कड़क बन गई है, बाकी है। इसमें क्या है भाई? काली वाला लाइटर तो खोल जाके। माशाल्लाह यहाँ से हरम नजर आ रहा है और ये लोग सारे पाकिस्तानी जोड़ा पहन के जा रहे हैं। भाई कड़क बन गई है, बाकी है। कितना हुआ इसका? 16 इसमें क्या है भाई? काली वाला काला चाय। तुर्की शराब। भाई हम लोग यहाँ पर दूध पत्ती चाय पीने आए हैं। यहाँ सारे बिस्किट पड़े हैं। इधर शोरमा के बाद शोरमा का मजा नहीं आया, लेकिन हमने कहा चलो चाय पी रहे थे साथ में। कड़क रेडी हो गया? हो गया। ये बैठे हुए हैं कड़क पीने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अभी खैर खैरियत से मदीने के होटल में पहुंच गए। सुबह इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे। अभी काफ़ी टाइम हो गया, थक गए, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करके अभी कमरे का दिखाता हूँ, कमरे का टूर कराते हैं अभी कमरे का। 6 घंटे में आखिरकार जिसका बोर्ड नहीं है वहाँ पर अभी पहुँचे हैं होटल में। चेक करते हैं अभी, ये एंट्रेंस है। कौन सा तो रूम नंबर 300 है ये 304। लाइटर तो खोल जाके। चलो भाई पहले राइट से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये 1, 2, 3, 4 बेड है, एसी वो लगा हुआ है, बैठने की जगह। अकी इधर भी 3 बेड है। लाइट ऑन करी जरा। ये बैठने की जगह और ये मैं। ये वॉशरूम, अभी आ रहा हूँ। मुझे बेड ज्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इधर से बालकनी से ये पहाड़ी नहीं होती ना, फुल नारे। वो माशाल्लाह यहाँ से हरम नजर आ रहा है इस पहाड़ी के पीछे। करीब है लेकिन पहाड़ी। The next day. अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग उठे हैं सुबह, जुम्मे की नमाज के लिए तैयारी करेंगे, अभी जाएंगे। और आप लोगों को नजर आ रहा है सामने माशाल्लाह ये रोड है और इस पहाड़ के पीछे हरम है। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग जाएंगे। दफा मदनी है और ये लोग सारे पाकिस्तानी जोड़ा पहन के जा रहे हैं। हरम में ले लेंगे वो तो लेंगे। ये कौन सी? ये सारे आज ही जा रहे हैं मदीना हरम की तरफ। हम लोगों को पार्किंग नहीं मिली तो हम लोगों ने कहा चलो गाड़ी दूर खड़ी करके इनके साथ चलना शुरू कर देते हैं। ये रास्ते में ये चीजें आती जा रही हैं, लोग क्या क्या दे रहे हैं। चलते जा रहे हैं, कारवां जा रहा है, मुख्तलिफ लोग, बैरियर बना हुआ है। इधर होटल है साथ साथ। पाँच मिनट का रास्ता है तकरीबन और हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं और काफ़ी लोग भी हमारे साथ चलते हुए जा रहे हैं। एक लाइन बनाई हुई है, बैरियर डाला हुआ साथ में, बैरियर के अंदर और बाहर लोग चलते हुए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमको नज़र आ रहा है, हम लोग पहुंच गए हैं अभी। माशाल्लाह।
रब्बा माशाल्लाह। इधर जन्नतुल बकीय जिस तरह राइट साइड आप लोग नज़र आ रहा है, सीधा जाएंगे तो वो लेडीज़ का, और यहाँ पर सामने जो नज़र आ रहा है ये सारा जेंट्स लोग जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को थोड़ा जल्दी और आना चाहिए था, हम लोग थोड़ा लेट हो गए, इस वजह से काफ़ी हरम भर चुका था। तो हम लोग जल्दी और आ जाते तो हम लोगों सफ़ों के अंदर जहाँ कारपेट बिछे हुए हमको जगह मिल जाती। मसला नहीं, हम लोग को जगह मिल गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी तंगी हो रही थी। अजान से पहले माशाल्लाह सारा हरम भर चुका था। माशाल्लाह से जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, जब ये दरवाज़ा ओपन होता है छत का, पूरे हरम में रोशनी हो जाती है। ये एक दरवाज़ा नहीं, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये बना हुआ है छत का दरवाज़ा, तो माशाल्लाह काफ़ी रोशनी थी। हम लोग काफ़ी दोस्तों के साथ यहाँ बैठकर खुली हवा में बैठे रहे और जमजम का पानी पिया। थोड़े देर बैठने के बाद फिर हम लोग बाहर रवाना हुए ताकि हम लोग कुछ बाहर खा पी सकें। आखिरकार घूम घुमा के इस जगह पर आए खाना वाना खाने। काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे कहाँ खाना खाना, भाई साहब ये लोग जा रहे हैं। अभी रोमांसिया होटल में हम लोग आए हैं, रेस्टोरेंट में। यहाँ पर भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हालत बहुत टाइट हो गई थी। असर की नमाज इस रेस्टोरेंट में पढ़ी, पर नमाज पढ़ने के बाद रेस्टोरेंट में, फिर हम लोग वापस मस्जिद अल हरम मदीना में वापस आ गए ताकि मगरब की नमाज पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ें और सलाम पेश करें। माशाल्लाह मदीने की रौनक और मदीने का मंजर आप लोगों को नज़र आ रहा है, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसे तो आप लोग देख रहे हैं, आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में आया हुआ है। तो काफ़ी आज का दिन बिजी रहा, सुबह जुमे की नमाज़ के टाइम आए, जुमे की नमाज़ पढ़ी यहाँ पर, फिर बाहर चले गए, खाना वगैरह खाया, फिर असर की नमाज फिर बाहर ही पढ़ी, फिर वापस आ रहा मगरब के टाइम में वापस आ गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये माशाल्लाह सारी लाइन जा रही है अंदर सलाम पेश करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज पढ़ ली, कल रात से हम लोग यहाँ पर आए हुए थे तो नमाज़ें वगैरह पढ़ ली हैं, तो ईशा की नमाज़ पढ़ के अभी निकलने की करेंगे जिद्दा की तरफ। और ये व्लॉग मैं मदीना में ही एंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ हमको काफ़ी बड़ा सफ़र था जिद्दा के लिए, तो इसीलिए इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।